मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जीम चीम च च्राम च्राम द्राम द्राम द्रीम दि द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रंजलि जिनयाप्ति स्वाहा तितोतय भवैनी रई क्षीरवादी रूप के स्थाप्यामि सुजन्मत जन सर्व सिद्धता ओम इति विश्वादी वीरताम जले नस्नाप्यामिति स्वाहा 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 ओम इति विश्वादी वीरताम जले नस्नाप्याम सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये साहूणं चत्तारी मंगलम मरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केबली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लुगुत्तमा रंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केबली पन्नत्तो धम्मो लुगुत्तमो चत्तारी शरणम पब्बज्जामि रंते शरणम पब्बज्जामि सिद्धे शरणम पब्बज्जामि साहू शरणम पब्बज्जामि केबली पन्नत्तम धम्मम शरणम पब्बज्जामि ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रे भुना नमः सर्वेषां शान्तिधारा कर्तॄणां दृष्टीणां सूत्रीणां च सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं बं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झुं झुं क्षुं क्षुं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खण्डय खण्डय जहि जहि दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरहं झं झुं झुं हं सं झं बं ह्रः पः हः क्षां क्षीं क्षुं क्षें क्षैं क्षौं क्षौं छं छः क्षुं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रों रौं रः द्रां द्रीं द्रावे द्रवे नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठा ठा अस्माकं समस्त शान्तिधारा कीर्तीणां दृष्टीणां श्रुतीनां उपस्थितस्तु विद्धिरस्तु तुष्ट्यस्तु पुष्ट्यस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं समस्त शान्तिधारा कीर्तीणां दृष्टीणां च समस्त कार्य सिद्धार्थं मंदिर निर्माण कार्य शीघ्र सानंद संपन्नार्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं समस्त शांति धारक कीर्तिनाम दृष्टिनाम च शांति भट्टारक पाद पंत प्रसाद सद्धर्म श्री वल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वासे स्पर्श स्वर्ग प्रसिदंतु नः ओम वृषवादयासी वर्धमान पर्यंताश्च सुयन्ति अरहंतो भगवन्तः परमंगल अरहंतो भगवन्तः सर्वज्ञ परमंगल नाम ध्या अस्माकं समस्त शांति धारक कीर्तिनाम दृष्टिनाम च यहमुच्च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहमुच्च सिद्धिं प्रच्छन्तु नः ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वतीथंकराय श्रीमत् रत्नते रूपाय दिव्यतेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समो शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी सोपताय अष्टादश दोष रहिताय षट चतुर्थ सद्गुण संयुक्ताय शम्य ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अव्यय अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य स्वास्थ्य लाभार्थम आरोग्यार्थम पूजनीय पक्षमण मुनि श्री समय सागर जी योग सागर जी नियम सागर जी सुधा सागर जी संघस्य पूज मुनि श्री विमल सागर जी आनंद सागर जी धर्म सागर जी अचल सागर जी भाव सागर जी संघस्य समस्त मुनिगणनापि समस्त आरिकणामपि समस्त त्यागे वितीणामपि एवं प्रथम शांति धाराकर्ता श्रेष्ठ श्रीमान बाबूलाल जी अरविंद कुमार जी विवेकानंद जी सत्यन जी अक्षय जी जैन अनेकान जी जैन दिगोड़ा मोदी परिवार से एवं श्रीमान पवन कुमार जी मोदी सुमित कुमार जी जैन मोदी समस्त मोदी परिवार से सिमरा निवासना सा परिवार से एवं तृतीय शांति धारकर्ता श्रीमान विनोद कुमार जी जैन गौरव जी जैन लोहारी वाले इंदौर सा परिवार से एवं श्रीमान चिंतामन जी जैन सुरेंद्र कुमार जी जैन राहुल जी जैन दिगोड़ा सा परिवार से एवं शैलेंद्र कुमार जैन श्रीमती प्रियंका जी जैन दिगोड़ा सा परिवार से एवं श्रीमान अशोक कुमार जी जैन दिगोड़ा सा परिवार से श्रीमान सुखनंदन जी जैन वैसाखिया जितेंद्र कुमार जी वैसाखिया सा परिवार से दिगोड़ा निवासना सा परिवार से एवं
निकचंद सौरभ कुमार जी जैन, राजुल शिल्पी जैनिसा, समस्त परिवार से एवं श्रीमान अजय कुमार जी जैन, खेड़ी वाले गन्नौर हरियाणा, शल्य चिकित्सा कार्य सानंद संपन्नार्थम एवं श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन, राजकुमार जी जैन, पंकज जी जैन, भाटी, मोनू, सपना, सोनू, रोशनी, आशी, चेतन, अर्जित, चुन चुन, आस्था आदि चिरगांव सपरिवार से एवं श्रीमान सौरभ जी जैन, सनत कुमार जी जैन, पुष्पा जैन, आरुष, ईसी, सौरभ, प्रीति, अरहम जैन सपरिवार से, टड़ा वाले सागर निवासना सपरिवार से एवं श्रीमान अपूर्व जैन, भेड़ा वाले बंडा सा परिवार से एवं कुमारी दृष्टि जैन, नैनधरा सा परिवार से एवं श्रीमान प्रसम जैन, खरगापुर सा परिवार से एवं श्रीमान आदर्श कुमार जैन, पुत्र श्री अजित कुमार जैन, टिहर का सा परिवार से एवं समस्त शांति धारा कीर्तिनाम दृष्टिनाम श्रोतिनाम उपस्थित समस्त भवजनानाम च व्याधिम घ्नन्तु व्याधिम घ्नन्तु व्याधिम घ्नन्तु। श्री जिनाब से पूजन प्रसाद अस्माकम समस्त सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते पिशिखनास्ते दोषकलम साय दिव्य दिजो मूर्ति नमासी शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रग छत्तो पत्तो विनाशनाय सर्व छाम डावर विघ्न विनाशनाय सर्वार शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रः असिया उषा नमः। मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। मम कामम रतिकामम वलिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वराज्य भयम सर्वचोर दुष्ट भयम सर्व सर्वृश्चिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधम डाम्रम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्व शूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सुरो रोगम ज्वर रोगम च सर्व नरमारिम सर्व गजा सुगव महेश अजमारिम सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुलपत पुष्प फल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल साखनी डाकनी भयानी सर्व वेदनियम सर्व मोहिनियम सर्वापस मारिम। अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राष्ट्र संघ से अशुभ कर्म जने दुखानी समस्त निर्यापक श्रमण पूज मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी संघ से पूज मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी, भाव सागर जी संगत से समस्त मुनि गणनापि आरकसी अनुनयमती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थम आरोग्यार्थम संगस्तारकसी आदर्शमती माता जी आरकसी संभवमती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थम आरोग्यार्थम संगस्तारकसी विज्ञानमती माता जी संगत से आरकसी पूर्णमती माता जी संगत से समस्त आरिकानापि समस्त त्याग वितिनापि अशुभ कर्म जन दुखानी एवं समस्त शांति धारा कृतिनाम दृष्टिनाम श्रोतिनाम उपस्थित समस्त भवजनानाम च अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देवदानव वीणा नहा सिंह योगनी कृत दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित विषभयानी सर्व यस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कृत दोषान सर्व परसत्तु कृत मानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि कृत दोषान। ओम ब्रीम अस्माभ्यम समस्त शांति धारा कृतिनाम दृष्टिनाम श्रोतिनाम उपस्थित समस्त भवजनानाम च चक्र विक्रम सत्य तेजो बल सौरवी शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मट्ट पत्तन द्रोण मुख संभानंदनम सर्वानंदनम यस सुखम त्रिश्लोकेशु व्याधि विषयन वर्षतम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तो विधीयते से शांति रस्तो सिमस्तो जयोस्तु नित्य 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 आरोग्यमस्तु सर्वेषाम आचार्य सर्व विद्या सागर जी संगस्य स्वास्थ्य लाभार्थम आरोग्यार्थम पूज मुनि श्री विमल सागर जी संगस्य समस्त मुनि गणनापि समस्त आरिकणापि समस्त त्यागी वितिनापि समस्त शांति धारा कृतृणाम दृष्टिणाम श्रोतृणाम उपस्थित समस्त भक्तृणाम च एवं श्री अजितनाथ जिनालय से रजत मंदिर निर्माण कार्य सानंद शीघ्र संपन्नार्थम एवं चातुर्मास कलश स्थापना कार्य से शानंद संपन्नार्थम एवं समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा संतु सद्धर्म श्री वल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम अरमसी अवसानद विद्यानमोहन तानम हम सर शांतिम कुरु कुरु।
ओम ब्रीम श्रीम क्लीम मरमसिया औसानद विद्याण महंतान महम सर शांतिम कुरु कुरु ओम ब्रीम श्रीम क्लीम मरमसिया औसानद विद्याण महंतान महम सर शांतिम कुरु कुरु ओम ब्रीम श्रीम क्लीम मरमसिया औसानद विद्याण मोरियंतान महम सर शांतिम कुरु कुरु ओम ब्रीम श्रीम क्लीम मरमसिया औसानद विद्याण मोरियंतान महम सर शांतिम कुरु कुरु ओम ब्रीम श्रीम क्लीम मरमसिया औसानद विद्याण महंतान महम सर शांतिम कुरु कुरु ओम ब्रीम श्रीम क्लीम मरमसिया औसानद विद्याण महंतान महम सर शांतिम कुरु कुरु ओम ब्रीम श्रीम क्लीम मरमसिया औसानद विद्याण महंतान महम सर शांतिम कुरु कुरु ओम ब्रीम श्रीम क्लीम मरमसिया औसानद विद्याण महंतान महम सर शांतिम कुरु कुरु ओम ब्रीम मरम जगत शांति करायसी शांति नाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु ओम ब्रीम मरम जगत शांति करायसी शांति नाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु ओम ब्रीम मरम जगत शांति करायसी शांति नाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः छोटे बाबा नमो नमः चलेगा। जिन्होंने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग शांति धारा में किया था वो महानुभाव पहुंचे। कुछ लोग अंदर से बाहर आचार्य श्री जी आचार्य श्री जी आचार्य श्री जी हम जैनियों के जाने आचार्य श्री जी उन्हीं के माध्यम से कलश स्थापना के कार्यक्रम का संचालन संपन्न होगा। साथ ही हमारे दीपक भैया और शुभम भैया भी सहभागी बनेंगे। अशोक भैया जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो शीघ्रता से यहां पधारें जी। और यहाँ पांडाल के पंखे और कूलर चालू कर दें। जिसके आने से भक्ति में डूब गया है मन, जिनके आने से भक्ति में डूब गया है मन, ऐसे गुरु पर विमल सागर को शत शत मेरा नमन, ऐसे गुरु पर विमल सागर को शत शत मेरा नमन। हे हे ला 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 ला, हे हे ला 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 ला, जिनके आने से भक्ति में डूब गया है मन, जिनके आने से भक्ति में डूब गया है मन, ऐसे गुरुवर विमल सागर को शत शत मेरा नमन, ऐसे गुरुवर विमल सागर को शत शत मेरा नमन। हे हे ला 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 ला, हे हे ला 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 ला। सभी लोग अपने हाथ जोड़िएगा। लमो अरिहंताणम बोले, लमो सिद्धाणम, लमो आयरियाणम, लमो उवज्जायाणम, लमो लोए सव्विसाहुरम। बोले श्री पंच परमेश्वरी भगवान की, मंदिर के अतिशय कार्य मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की,
परम पूजनीय गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज ससंग की। करते हैं अपन सर्वप्रथम मंगलाचरण और मंगल गीत के गायन के लिए हमारे राजस्थान से पधारे राजेश भाई साह मंगल गान करके इस समूचे वातावरण को मंगलमयी दिशा प्रदान करेंगे। ए बांधा की वो अतिशय माटी है जहाँ की इस वर्ष आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के मंगल सुभाषीष से मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज पंच ऋषि राजों का वर्षायोग स्थापन हो रहा है। आज वर्षायोग स्थापन की पूर्व वेला में आप सबकी मंगल भावनाओं से जुड़ करके प्रस्तुत है मंगल गीत। जिसके देश से हो, जिसके देश से मैंने अपनी सुध बुध हारी है, वो मूरत प्यारी है, बंधा जी वारी है, प्रभु जी विराजे हैं यहाँ। हो ऐसे प्रभु जी हैं यहाँ, अतिशयकारी है, बड़ी मनोहारी है, प्रतिमा जी न्यारी है यहाँ। हो ऐसे प्रभु जी हैं यहाँ, जिसके देश से मैंने अपनी सुध बुध हारी है, वो मूरत प्यारी है, बंधा जी वारी है, प्रभु जी विराजे हैं यहाँ। हो ऐसे प्रभु जी हैं यहाँ, ना अंग चे ना उसमें समा गए मेरे बिना, ना नींद ने ना अंग चे ना उसमें समा गए मेरे बिना, अजितनाथ जी बंधा जी वाले द्वारे पे तेरे कब से खड़े, वो दुनिया सारी है, छवि मनुहारी है, मूरत वो न्यारी है यहाँ। हो ऐसे प्रभु जी है यहाँ, सभी दोनों हाथ खोले और मिट्टी मिट्टी तालियों के साथ जय हो बल्ले बंदा जी वाला जी नाथ भगवान की। टक टक निहारू सदिया गुजारू मैं पल पल उस पे वारी जाओ, एक टक निहारू सदिया गुजारू मैं पल पल उस पे वारी जाओ, सांसों की धुन का गीत है वो, मेरे मन का मीत है वो, कि रंग रंग वारी है, जान से प्यारी है, ऐसे प्रभु जी हैं यहाँ। हो ऐसे प्रभु जी हैं यहाँ, जिसके देश से मैंने अपनी सुध बुध हारी है, वो मूरत प्यारी है, बंधा जी वारी है, प्रभु जी विराजे हैं यहाँ। हो ऐसे प्रभु जी हैं यहाँ, हो प्रभु जी विराजे हैं यहाँ, हो ऐसे प्रभु जी हैं यहाँ, बोले चित्तनाथ भगवान की। चित्र आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूँ,
मुनिवर श्री बिमल सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन की माँ हमारे बीच में पधारी हैं, उनकी बहन जी और परिवारी जन यहाँ पर आए हैं। मैं उन सबको सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, आए और आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। महान भाव, मैं आपको बता दूं, एवो मुनिराज यहाँ पर पधारे हैं, यहाँ वर्षा योग कर रहे हैं। पिछले 6 दिन से जिन्होंने उपवास की साधना से अष्टानिक महापर्व का आनंद लिया है और हम सबको अपने वचनामृत से धर्मामृत का पान कराया है, ऐसे मुनि श्री के समक्ष ये परिजन आकर के श्रीफल अर्पण करके शुभाशीष प्राप्त करें और करें चित्र का अनावरण। चलते फिरते हो तीरथ, चलते फिरते हो तीरथ, महावीर से वीर से मेरे गुरुवर लगते, वीर से चलते फिरते हो तीरथ, चलते फिरते हो तीरथ, महावीर से वीर से मेरे गुरुवर लगते, वीर से आवरण के लिए परिजनों के साथ में कमेटी के पदाधिकारी। मंदिर आलय आलय मन ये पुकारा करे, मंदिर आलय आलय मन ये पुकारा करे, तू जो नहीं गुरुवर तो मेरा कोई नहीं है यहाँ, टूटे ना कभी तुम रहना पास मेरे, मेरे गुरुवर लगते, वीर से चलते फिरते हो तीरथ। मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज और भाव सागर जी महाराज के परिजन हमारे बीच में हैं, गृहस्थ जीवन के भाईगण बहन जी वगैरह, खरगापुर से हमारे बीच में अतिथिगण आए हैं, मोदी परिवार सिमरा पृथ्वीपुर टीकमगढ़, सभी श्रावक और श्राविकाएं आए मुनिवर श्री अनंत सागर जी भाव सागर जी महाराज के परिजन। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये दो मुनि महाराज विराजमान हैं, जो गृहस्थ जीवन के दोनों सगे भाई हैं, तालियों का उद्घोष करके अपनी खुशी जाहिर करें। जिस माने एंधे बेटों को जन्म दिया, दो संयम के मार्ग पर आ गए और इनके गृहस्थ जीवन के भतीजे भी अमित भाई मोक्ष मार्ग की साधना में अपने कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। परिजन आए और दीप दीपित करने का सौभाग्य प्राप्त करें और दीप दीपन में सहभागी बनेंगे हमारे इस अनुष्ठान के सौ धर्मेंद्र बंडा से अशोक कुमार जी ठेकेदारी जी के परिवारी जन और दीप प्रज्वलन का मांगलिक कार्य दोनों परिजन मिलकर के संपन्न करें। अब तो ज्योति पुंज जला लो, अब तो ज्योति पुंज जला लो, मन के कलुषित भाव मिटा दो, अब तो ज्योति पुंज जला लो, मन के कलुषित भाव मिटा दो, अब तो ज्योति पुंज जला लो, जला लो, जला लो।
मिधरम दीपकम स्थापयामि। अब मैं मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पिताजी को आवाज लगा रहा हूँ, वो आए और मंचासीन भी हो, व्रती हैं और मुनि श्री के श्री चरणों में सागर का यह परिवार श्री फल अर्पण करके माता पिता शुभाशीष प्राप्त करें। मैं आपको बता दूं, ये वो परिवार हैं महाराज जी के गृहस्थ जीवन के पिताजी, वस्त्र तो भले ही पहने हैं लेकिन साधुवत जीवन अपना जी रहे हैं। ऐसे जोर से तालियां बजाओ माता पिता को, हमेशा साधुओं की सेवा में चौका लेकर के तैयार रहते हैं। दोनों जन प्रति आए और मुनि श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके शुभाशीष लें और मंचासीन हो। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हो। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हो। हमें रास्तों की संक्षिप्त में आचार्य महाराज की पूजन की ओर। आचार्य श्री के चरणों में हम झुका रहे अपना मन, जिनके जीवन के हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जीना गम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। रूम सताष्टाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो षटी हवाननम। ओम भ्रूम सताष्टाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाय स्थापनम। ओम भ्रूम सताष्टाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अत्र मम संहितो भाव भाव षट सन्निधि करणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश के बेतरणी से अभी तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से मन कालुष धोने आया हो, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम सताष्टाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ओ क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, शांत स्वभाव न जान सका जीवन भरे से घुमाया है। चंदन समशीतल तापाने अब शरण तुम्हारी आया हो, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हो। ओम रूम सताष्टाचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। भवता विनाशनाय चंद्रम द्रोपामिति। जल को न मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचान, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्ट सताष्टाचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान द्रोपामिति। इन विषय भोग की मधुरा पे में बना स्वयं से मतवाला, कृष्णा को तृप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम सता
सताष्टाचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय नमः कामबाण विद्वसनाय पुष्पाणि निर्वपामिति क्षुधा रोग के पिता कथा भाव भाव में कहता आया हूँ अति भक्ष्य बच्चे बके फिर भी मैंने तृप्त नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं मैं अंतर बोध जगाऊंगा ओम ब्रह्म सताष्टाचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय नमः क्षुधा रोग विद्वसनाय नैवेद्यम निर्वपामिति मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पस्ताना ये दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाति से मम अंतर दीप जला देना विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय नमः महामोहनकार विनाशनाय दिव्य दीपम प्रवपामिति इन अशुभ कर्म मैंने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया ओम सताष्टाचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय नमः अष्ट दुष्ट कंदाने दिव्य धूपम प्रवपामिति भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साधे और साधक का आज मैं जान डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके तारा वा मिल बैठा मुझे ठिकाना है ओम सदाचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय नमः महामोक्ष फल प्राप्त है फलम प्रवपामिति जगते वैभव को पाकर मैंने जिन कैसा अलमस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्घ पद पा जाओ यह अरुण भावना भाता है ओम ओम ब्रूम सताष्टाचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय नमः अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम प्रवपामिति प्यारे प्यारे गुरुवर तेरे अजब सान निराले कभी तो मेरे मंदिर आओ बोले जनता साथ मेरे गुरुवर की जय जय कार और विद्यासागर की जय जय ऐसे नहीं सभी तो नाथ खोले पहले और मेरे गुरुवर की जय जय कार और विद्यासागर की जय जय कार गुरुवर तेरे हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित के जीवन के चर्चन अर्जन के सुमन समर्पित हर साई जगती के कलकल कर्नाटक के सतलगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया मल्लप्पा पूज्य पिताश्री को अलश्रीमती कृत कृत किया बचपन के विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े मुनिराज देश भूषण देश ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े आचार्य ज्ञान सागर ने 1968 में मुनि पद दे डाला अजमेर नगर में हुआ उदित मानोर विदम हरने वाला परिवार तुम्हारा जब का तब इन पथ पर जलने वाला ने वह वेद ज्ञान की छेनी से गिर कर मिटाने वाला है तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो तुम हो अपने में समय साथ तुम स्यादवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुर तार तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जब को कर देने तुम निकल पड़े बस इसीलिए बनके अटकों को पत्ते वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है पानी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू तो ना जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी भी लगवाना इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अधिकार डाला जैन गीत गा घर में तुमने मानो सागर भर डाला शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा जाना सरताल चंद में क्या जानू केवल भक्ति में रम जाना भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगी सर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत पहले गुरुवर अरे सतलग गाम में जन्म लिया माँ श्रीमती हर्षाई मल्लप्पा जी पिता तुम्हारी दो बहन चार भाई सतलग हो पहले गुरुवर समय सागर जी हसमुख इनकी वाणी इस अज्ञानी बालक को गुरु समझा दो जिन वाणी अरे छोटे छोटे शिष्यों से ये संग बना उपकारे छोटे छोटे शिष्यों से ये संग बना उपकारे
कभी तो मेरे नगरे आओ बोले जनता साथ। मेरे गुरुवर की जय जयकार, विद्या सागर की जय जयकार। मेरे गुरुवर की जय जयकार, विद्या सागर की जय जयकार। बार बार दिन ये आ ऐसे नहीं सभी दिमाग खोले बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो एक हजार। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो एक हजार। सताष्टाचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामनिंद्रा नमः। जय माला पुनर्घम प्रपामिति। मुनिवर तुमको है नमन, हाथ जोड़ धर शीश। तुम सम हम भी बन सके ऐसा दो आशीष। यही भावना पा रहे हम लेकर के यही अर्घ। रत्न त्रय निज दो हमें शिव पद मूले अनर्घ। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती सरल स्वभावी तपस्वी मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज, अनंत सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, अचल सागर जी महाराज, मुनिवर भाव सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में जला दी अर्घ्यम निर्भुपामिति। बोलो वधात सचेत गुहा ब्राह्मण मूल नय श्री अजितनाथ भगवान की। क्या बात है, अवस्थानिक महाव्रत समाप्त हो चुके हैं और आज आप लोगों के उपवास भी नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं जो परमात्मा की जयकार में अपने हाथों को करते हैं ऊपर, परमात्मा के आशीष से उनकी किस्मत होती है सुपर। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलो श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी, भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव विशेष पुण्य सुमनाथ से क्षेत्र की पावन पुनीट माटी का है कि जहां एक वर्ष में दो दो बार गुरुदेव का आगमन हुआ, एक अनुपम कृति का शिलान्यास गुरुदेव के ससंग सानिध्य में हुआ और उसके बाद पूज्य बड़े महाराज जी का करीब 3 महीने का प्रवास यहां पर प्राप्त हुआ है और अनेक साधुओं का यहां पर प्रवास गुरु जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। उसी कड़ी में गुरुदेव की अनंत कृपा इस क्षेत्र पर हुई और पंच ऋषिराजों का मंगल सानिध्य इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। बंधुओं, गुरुदेव आपने देखा है कि भीषण गर्मी में नेमावर से बिहार करके जबलपुर पहुंचे हैं। किसी ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव इतनी भीषण गर्मी में आप चलते कैसे हैं, आपके पैर दर्द नहीं करते? तो गुरुदेव ने कहा कि हम पैरों से नहीं इरादों से चला करते हैं। जिनके इरादे इतने उज्जवल हैं कि जहां बड़े बाबा के लिए उन्होंने एक रजत मंदिर के निर्माण की एक स्वीकृति दी है, उन्होंने भाव बनाया है, हमारा कर्तव्य है कि हम गुरुदेव के उन भावों को पूरा करें। एक बार आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठा करके अपना समर्थन दें। अगर आप चाहते हैं कि हम रजत मंदिर का निर्माण इस चातुर्मास में संपन्न करें, अगर आपका पड़ोसी आपकी मीठी मीठी तालियां, आपका पड़ोसी शांति नाथा शांति नाथा शांति नाथा लक्ष्मा पार्श्वनाथा सबकी हाथ नहीं उठी। देखिएगा, आपका पड़ोसी अगर हाथ ना उठाए तो कोनी मार के टल्ले मार के उसके हाथ ऊपर करा देना, क्योंकि बात आपकी हमारी नहीं है, बात बड़े बाबा के मंदिर है। दोनों हाथ ऊपर करके 1 2 3 4 शांति नाथा शांति नाथा रक्षमा अजित नाथा अजित नाथा अजित नाथा रक्षमा शांति नाथा शांति नाथा रक्षमा अजित नाथा अजित नाथा अजित नाथा रक्षमा हरे पार्श्वनाथा रक्षमा संभव नाथा रक्षमा पार्श्वनाथा रक्षमा
संभवदाता 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 विद्यादाता 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 रक्षमा शांतिनाथा शांतिनाथा शांत। बोले श्री मंदिर की मूल है गजितनाथ भगवान की। बोले हे महाराज श्री, बोले हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलेगा, हम इस क्रम में एक अनुपम कृति जो विश्व की एक सबसे ख्याति प्राप्त कृति होने वाली है, उस कृति का अंतर दीप विमोचन यहां पर करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान से दीक्षित 300 से ज्यादा पिच्छीधारी मुनि आरिकाओं का संपूर्ण जीवन परिचय उस कृति में है। और जो कृति पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी और मंचासीन पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की विशेष प्रयास से जिस कृति का निर्माण हुआ है, और वह कृति भारत में नहीं अन्य अनेकों जगह पर जिसका विमोचन होना है, और अभी चातुर्मास की स्थापना जितने संघों में हो रही है भारतवर्ष में, सब संघों में लगभग लगभग बड़े मंच से उस कृति का विमोचन किया जा रहा है। ऐसी कृति के विमोचन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान सौरभ जी चौधरी जबलपुर। मैं जिन भी महानुभावों के नाम ले रहे हैं, यहां से मैं नामों को पुकार रहा हूं, वो महानुभाव यहां आते जाएं और आप लोग अपनी कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका सम्मान करें। उन्होंने अपनी कृति के लिए विशेष विशेष सहयोग प्रदान किया है। श्रीमान चांदू जी चंदू जी पांडे परिवार, अनन्य गुरु भक्त देवरी से पांडे परिवार, साथ ही अध्यक्ष जैन समाज शिवनगर जबलपुर डॉक्टर वैभव जी जैन टीकमगढ़, नितिन जी जैन अरहंत कंप्यूटर टीकमगढ़, सिद्धांत जैन टीवी एक्ट, अजित जैन बंधाजी, दीपक जैन बंधाजी कृति के विमोचन के लिए आ जाएं। महरौनी से प्रासु जैन, छोटा सा बच्चा है लेकिन उसके भाव बहुत बड़े हैं। जब पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज यहां पर विराजमान थे, हर रविवार को एक ना एक चाहे फोर व्हीलर या बस की व्यवस्था वहां से करता था, चौके की सामग्री वहां से लेकर के आता था और अपने भाव बड़े महाराज जी के पावन चरणारविंद में अपना अर्घ समर्पित करता था। आ जाएं भाई प्रासु। और राजेश जी सिंगई, राजेंद्र कुमार जी जैन बल्ली बल्ले मोहनगढ़। एक नाम साचा एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तो सहारा। एक नाम साचा एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तो सहारा। तेरे चरणों में हम सबका नमन है, विद्या सागर नाम तिहारा। देखिएगा ये जो कृति है इसका विमोचन लंदन अमेरिका सिंगापुर आदि जगह पर भी होना है, लेकिन ये भारत में बनी है, इसलिए प्रथम विमोचन इसका भारत में हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ आगे से पीछे तक। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भज ले रे मन गुरुदेव, गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भज ले रे मन गुरुदेव। ये जो कृति परंपरा के गवाक्ष से हम देख रहे हैं, आचार्य श्री शांति सागर वीर सागर शिव सागर ज्ञान सागर और आचार्य श्री विद्या सागर परंपरा के सभी साधुओं का जिसमें संपूर्ण जीवन परिचय है, ऐसी कृति हम आमोदन करने वाले परिवार से अनुरोध कर रहे हैं कि वो कृति पूज्य बड़े महाराज जी के कर कमलों में भेंट करें समस्त विमोचन करने वाले परिवार। एक नाम साचा एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तो सहारा। तेरे चरणों में हम सब का नमन है, विद्या सागर नाम चलेगा। हमें जिस घड़ी का इंतजार था, श्रद्धे आदरणीय बड़े भैया अशोक भैया जी अनुमति प्राप्त प्रतिमाधारी दसम प्रतिमाधारी और आचार्य भगवंत का सबसे ज्यादा समय जिन्हें मिला है, जिन्होंने पूरा गोल्डन टाइम गुरुजी का देखा है, बड़े भैया हमारे बीच हैं, पूज्य मुनि श्री के पावन चरणारविंद में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज जिनका संचालन संपूर्ण कार्यक्रम जिनके मार्गदर्शन में संपन्न होना है, ऐसे बड़े भैया हमारे बीच हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ भैया का सम्मान करें। आइएगा हम इस
आगे की श्रृंखला में चलें, उसके पूर्व क्षेत्र का परिचय देने के लिए हम बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं हमारे अक्षय क्षेत्र बंधा जी के अध्यक्ष चलेगा। अब सबसे पहले हम जिनके प्रवचन सुनने के लिए सारे लोग इंतजार में बहुत दूर दूर से आए, जिनकी वाणी में सरलता है और जिनकी वाणी ही नहीं मुनिवर विमल सागर जी महाराज का तो सच बताऊं जीवन ही बोलता है, केवल जवान नहीं बोलती। विगत 8 दिनों से जब जब उन्होंने बोला है उनकी वाणी दिल को छूने वाली है। मैं आप सब की ओर से, दूर बैठे हुए सभी श्रोताओं की ओर से पहले तो सबसे निवेदन करूंगा, दोनों हाथ जोड़ करके मुनिवर के लिए नमोस्तु निवेदित करें, नमोस्तु महाराज जी। और अब मैं मुनिवर विमल सागर जी महाराज से निवेदन कर रहा हूं अपनी मंगलवाणी से हम सबके लिए धर्मामृत का पान कराएं, नमोस्तु महाराज जी। ढोल वाले पीछे ढोल बंद कर दें, ढोल वाले ढोल बंद कर दें पीछे। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः निर्मल जल सा मन है जिनका चंदन से है द्योवचन अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक वस्तु विधि करते धूप दहन ध्यान सुफल है अर्घ समाधि मुनिवर तुमको नित नमन अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है ऋषिवर तुम्हें समर्पित है देवारी देव 1008 चैतन्य चमत्कारी अक्षयकारी बधा जी के अजितनाथ भगवान की परम पूज्य स्वट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3.9 करोड़ मुनिराजों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी अचल सागर जी भाव सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की धर्म स्नेही भव आत्माओं जिन गुरुदेव की कृपा से हमें यहाँ चातुर्मास करने का सुअवसर मिला है और आप लोगों को पंच ऋषि राजों का लाभ मिला है ऐसे गुरुदेव को सर्वप्रथम पहले हम अच्छी तरह से नमोस्तु बोलेंगे कि ऐसा देखो आज आंख से निज चेतन ही दिख जाए और ऐसी ताली आज बजाओ रोग देह के मिठी जाए ऐसा भाव करो ओ भवजन ऐसा नमन करो ओ भवजन गुरुदेव शीघ्र ही बंधा जी चतुर्मास करने के लिए आए ऐसे उन गुरुदेव को सबसे प्रथम नमोस्तु बोलते हुए गुरुदेव का आशीष हमारे लिए वहीं से प्राप्त हो और यह उनकी कृपा से यह चातुर्मास
आज आप यहाँ बैठे हैं और अभी इस चातुर्मास का मंगलाचरण एक भव्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान से हुआ, जिसकी शुरुआत हुई है मंगलाचरण, आज उसका समापन हुआ है। ब्रह्मचारी जी संजीव भैया उनके साथ और सारे जो भाई लोग हैं के सानिध्य में आज समापन उसका बड़ी भव्यता के साथ आनंद के साथ हो गया है। साथ साथ में आज चातुर्मास स्थापना का भी आप लोगों के लिए प्रारंभ हो रहा है। कहा है जब बचपन में थे पढ़ते थे एक नीति श्लोक बहुत अच्छा लगता था और गुनगुनाते हुए घूमते फिरते थे कि शैली शैली न माणिक्यम मोकितम ना गजे गजे ना ही साधवो सर्वत्र चंदनम ना बने बने। प्रत्येक पर्वत पर माणिक नहीं पाए जाते हैं, प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाए जाते हैं और प्रत्येक शैली शैली ना माणिक्यम मोकितम ना गजे गजे, प्रत्येक गज में गजमुखता नहीं पाए जाते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक नगर में ऐसे दिगंबर साधु नहीं पाए जाते हैं। बिरले ही वह नगर और ग्राम होते हैं जहां ऐसे दिगंबर साधुओं का सुअवसर मिलता है। चतुर्थ काल आदि में तो जंगल में कर लेते थे, चतुर्थ काल में जंगल में गुफाओं में पर्वतों पर जाकर कर लेते थे, लेकिन इस कली काल में हीन सैनन होने के कारण से आचार्य भगवंत उन्होंने कहा कि अब ऐसा सैनन है, सैनन को देख करके द्रव्य छेत काल भाव और सैनन को देख करके जो श्रमण अपनी चर्या करते हैं वह अपने संयम को अंत तक ले जाते हैं, ऐसा कहा है। और पंचम काल में धीरे धीरे साधुओं का नगर के किनारे आना हुआ, लेकिन अब आपके नगर में ही चातुर्मास करने का आप लोगों के लिए वह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अभी बहुत सारे चतुर्मास जो भी हुए गुरुदेव के साथ हुए, कुछ नगर में ग्राम आदि में हुए, लेकिन ये पहला चतुर्मास गुरुदेव ने हमें बधाजी क्षेत्र पर करने के लिए। अब प्रभु की कृपा से हम लोग बंधने जा रहे हैं, आप लोग भी बहुत सारे लोग यहां बंध गए हैं। अभी ये 8 दिन का विधान हुआ, इस 8 दिन में लोग बहुत सारी मूर्तियों से कलश से और दान आदि से बंध गए हैं। अभी जो नहीं बंधे हैं उन लोगों को भी बंधना है। एक बार इन ऐसे अतिशयकारी अजितनाथ भगवान से आप बंध गए तो संसार के बंधन से नियम से छूट जाओगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। आप सब यहाँ बैठे हैं, यह चतुर्मास इन लोगों ने कहा था कि महाराज यहाँ 40 घर गांव की समाज जुड़ी हुई है, अब 40 तक सीमित नहीं है, ये तो अब पूरे विश्व में आपकी यहाँ की यह भक्ति जा रही है और सर्वत्र सभी जगह से गुरुदेव के आशीर्वाद से यह पूरा विश्व इसके साथ जुड़ेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना, ऐसा यह सौभाग्य आप लोगों को मिलने जा रहा है। चातुर्मास क्यों करते हैं तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि चातुर्मास में वर्षा आने के कारण से अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतुओं की उत्पत्ति बढ़ जाती है, इसलिए साधु अपनी साधना एक ही स्थान पर रह करके करते हैं और अपनी वह साधना चातुर्मास में 4 प्रकार की आराधना
सम्यक दर्शन की आराधना, सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक चारित्र की आराधना में वह लीन हो जाते हैं और अपने आप को ऐसे पापों से बचा लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी के समूषण में प्रथम गर्दर स्वामी गौतम महाराज वह पूछते हैं कि भगवान बताओ कदम चरे कदम चित्थे कदमासे कदम सये कदम भुज्येज्य भासेज्य एवं पावमना पच्छति। हे भगवान बताओ कि हम कैसे चलें, हम कैसे बोलें, हम कैसे शयन करें, हम कैसे चलें, आदि आदि ये क्रियाएं हम कैसे करें जिससे पाप का बंध न हो। तो भगवान ने कहा कि यदम चरे यदम चिट्ठे यदम चरे यदम भुज्येज्य भासेज्य। हाँ, इस प्रकार से यत्न पूर्वक अगर आप भोजन करते हैं, यत्न पूर्वक बोलते हैं, यत्न पूर्वक चलते हैं, सारी क्रियाएं अगर यत्न पूर्वक करते हैं, यत्न पूर्वक का अर्थ सावधानी पूर्वक प्रमाद रहित क्रियाएं करते हैं तो पाप से बच जाते हैं। पाप से बचने के लिए श्रमणों की ये चर्या होती है, तो वही श्रावक के लिए भी उपदेश दिया कि ऐसे चातुर्मास में अब आप लोग भी अच्छी तरह से बंध जाओ। कहा है कि अषाढ़ का चूका किसान, दाल का चूका बंदर, और सीजन का चूका बनिया, और चातुर्मास का चूका श्रावक, फिर साल भर पछताता है। इसलिए चातुर्मास में आप लोगों को इन चार प्रकार की शुद्धि तो अवश्य रखना है। सबसे पहले कौन सी शुद्धि? आहार की शुद्धि रखना है। अब ऐसा संकल्प कर लेना कि चार महीने अब हम शुद्ध आहार करेंगे, अशुद्ध आहार नहीं करेंगे। और जहां जहां चातुर्मास हो रहे हैं वहां के श्रावकों के लिए तो ऐसा नियम ही कर लेना चाहिए कि जब तक हमारे नगर में ऐसे संत साधवियां रहती हैं तब तक हम शुद्ध भोजन करेंगे और साथ में इस प्रकार से भावना भाएंगे कि उनका भी आहार अगर हमारे घर में हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसे करते हुए अगर आप भोजन करते हैं, भले आपके घर में संत आए चाहे ना आए, तो भी आपके लिए आहार दान का पूरा पूरा फल मिलता है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी कथाएं या घटनाएं बताई हैं कि महाराज चातुर्मास उनको करना है, नगर की ओर जा रहे हैं, लेकिन नगर में नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही चातुर्मास की तिथि आ गई और चारों तरफ रेगिस्तान है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और वहीं उन्होंने चातुर्मास कर लिया। आस पास कुछ नहीं है, अब कौन उनकी व्यवस्था करेगा, लेकिन फिर भी संकल्पित हो गए और वहीं से रास्ते से जब श्रावक निकले और देखा कि ये मुनिराज यहाँ पर हैं, अब इनकी व्यवस्था कौन करेगा, तो श्रावक भी वह संकल्पित हो गया कि जब तक महाराज यहाँ चार महीने रहेंगे हम भी यहीं पर अपना स्थान बना करके और इनकी चर्या में सहभागी बनेंगे। और चार महीने तक उन्होंने इस प्रकार की मुनिराज की चर्या की। भामंडल का आप घटना पद्म पुराण जी में आप पढ़ सकते हैं। ऐसा है चातुर्मास में चार प्रकार की शुद्धि आप लोगों को रखना है। रात्रि में भोजन नहीं करना है, जितना हो सके होटल आदि से आप लोगों को बचना है। ये आहार की शुद्धि तो चार महीना रखना, आहार के साथ साथ विचारों की भी शुद्धि रखना, आपस में राग द्वेष आदि जो होते हैं, एक दूसरे के प्रति, साधर्मी भाई के प्रति आपकी जो द्वंद्वता चलती है, इन चार महीनों को तो
तो कम से कम भुला देना, या जीवन पर्यंत के लिए भुलाते हैं तो कहना ही क्या है। विचार के साथ साथ व्यवहार की भी शुद्धि आप लोगों को रखना है, आपसी व्यवहार बहुत अच्छा बना करके रखना है, साथ साथ में व्यापार की भी शुद्धि रखना। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे जब वर्षा काल लग जाते हैं तो ज्यादा व्यापार आदि नहीं करना चाहिए, अपने ही नगर आदि में रह करके व्यापार आदि करना चाहिए, जिससे हम बड़ी बहुत बड़ी हिंसा से बच जाएं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर कहीं धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाना है, तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, तो मना नहीं, क्योंकि उसमें पाप का उतना बंद नहीं होता जितना पुण्य का संचय होता है। सावत दलेशु बहु पुण्य राशि ऐसा कहा गया है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से एकजुट होकर के यहाँ के बंदाजी के जितनी भी कमेटी है और साथ साथ में इस क्षेत्र से जितने लोग भी सब जुड़े हुए हैं, सबको अब भूल जाना है। हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुए सब भूल जाना। गुरुदेव ने हमारे ऊपर अनन्य कृपा बरसाई है और इस चातुर्मास को हमें सार्थक बनाना। ये लोग कह रहे थे महाराज हम यह चातुर्मास ऐतिहासिक करेंगे, इतिहास के पन्नों पर लिखेंगे। हम तो कहते हैं इतिहास के पन्नों पर लिखो चाहे ना लिखो, प्रत्येक यहाँ से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके दिल के पन्नों पर लिखा जाए, इतना ही ये चातुर्मास की ये सार्थकता हो जाएगी। अच्छी तरह से सभी लोग उत्साह के साथ, वृद्ध हैं, युवा हैं, बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, ये सब एक सूत्र में बनते हुए इस चतुर्मास को आप लोगों को कराना है। जो इन कलश आदि के माध्यम से इस चातुर्मास की स्थापना करते हैं उन्हें चातुर्मास कराने का फल मिलता है, ऐसा कहा गया है। किसी ना राशि से आप लोगों को जुड़ करके कम से कम हम इस बंधाजी चातुर्मास से जुड़ जाएं और हमारा पुण्य इतना बढ़ता चला जाए कि एक दिन जब गुरुजी यहाँ पर आए तो उनका प्रथम कलश रखने का सुअवसर हमारे लिए मिल जाए। भावना जो बनाता है उसकी भावनाओं की पूर्ति होती है। एक सज्जन थे जबलपुर के, उन्होंने ऐसी ही भावना बनाई थी कि बड़े बड़े लोग आचार्य भगवंत का कलश लेते हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी वह भावना बना करके गए कि हो जो भी हो मुझे तो आचार्य भगवंत का कलश लेना है। वो मेरा एक जमीन पड़ी हुई है, मैं उसको बेच दूंगा और आचार्य भगवंत का कलश लेकर के उसकी पूर्ति कर दूंगा। लेकिन उन्होंने आकर के इस प्रकार की भावना हमारे पास रखी और कुछ ही समय लगा और उन्होंने उस राशि को पूरा भिजवा दिया, उनके लिए वह जमीन बेचनी नहीं पड़ी। ऐसी ये आचार्य भगवंत का या गुरुओं की ये भावना होती है। इसलिए सब लोग अच्छी तरह से एकता के साथ आप लोगों को यह चातुर्मास एकता के सूत्र में बंद करके करना है। एकता जगी एक ताजगी आई, सब मिलके रहो, ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा। आप लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आप लोगों से कमेटी वालों से हम एक बार और पूछना चाहते हैं कि आप लोग सब एक सूत्र में बंधे हैं कि नहीं। अगर बंधे हैं तो हाथ उठाओ, नहीं तो यहीं गुरुजी के पास खबर भेज देते हैं। सब बंधे हैं ना? हाँ, कमेटी वाले नहीं, आसपास के गांव वाले, नगर वाले भी सब एक सूत्र में बंध करके करना है। हमें गुरुजी की भावनाओं को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना है और उसमें हमें शामिल होना है। ज्यादा कुछ नहीं कहना है, गुरुदेव का आशीर्वाद हम अभी अभी ताजा हम लोगों के लिए और यहाँ जो बैठे हुए हैं और ऑनलाइन जो भी सुन रहे हैं उनके लिए भी गुरुदेव का आशीर्वाद आ गया है। हमारा भी सबके लिए यहीं से आशीर्वाद है। आप सब लोग ऐसे ही उत्साह के साथ
इस चतुर्मास को संपन्न करना इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं अहिंसा परमो धर्म की। और लीजिए आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए हमारे अग्रज ब्रह्मचारी अशोक भैया जी तालियों का उद्घोष करिएगा। मुनि श्री के चरणों में श्री फल अर्पण करके शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही हमारे ब्रह्मचारी दीपक भैया, विकास भैया, ब्रह्मचारी सैलू भैया, हमारे अमित भैया, ललितपुर वाले भैया, हीरापुर से हमारे बीच में भाई द्वय ब्रह्मचारी देव भैया और बीरेन भैया जो सांगानेर में पाठशाला के लिए समर्पित थे श्रीफल चढ़ाने के लिए आ जाएं, और शुभम भैया जो बड़ा मलहरा से हमारे बीच में है, सबके लिए तालियों का उद्घोष करिएगा। संजीव भैया कटंगी और हम भी शुभाशीष ले रहे हैं महाराज जी। महान भाव, ई चतुर्मास की कलश का स्थापना का कार्यक्रम चालू होने वाला है। आप सबसे मैं कहना चाह रहा हूं, ऑनलाइन पूरे देश में हमारी आवाज पहुंच रही है, मुनिराज के दर्शन आप सबको हो रहे हैं, ये विशाल समोसरण और क्षेत्र के दर्शन हो रहे हैं, विभिन्न क्षेत्र की योजनाओं से आप अवगत हो रहे हैं। अवसर अनूठा है, कुछ ही प्रतिमाएं शेष है इस वर्षा योग के बीच जिन्हें पूरी करना है। अगर किसी के मन में भावना हो रही हो, मात्र 1,51,000 रुपए की राशि देकर के हम एक प्रतिमा अपने परिवार की ओर से वंदा क्षेत्र में विराजमान करना चाहते हैं, तो बदले में एक कलश भी आपको स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। ये और कलश की जो छोटी गतिविधियां हैं, बड़ी गतिविधियां हैं, उनका चयन हमारे अग्रज अशोक भैया जी आप सबके बीच में करने वाले हैं। जैसे कि कल मुनि श्री ने एक बात कही थी, क्षेत्र पर सब कुछ है लेकिन आवास व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। इसके लिए अगर बन पड़े, कुछ लोगों ने मंगलाचरण किया है, मात्र 1,11,000 रुपए की राशि की सहभागिता के साथ आप अपने माता पिता की ओर से एक कमरे को यहाँ बनवा सकते हैं। अभी बात कही जा रही थी महाराज जी की वाणी में, मैं आपको बता दूं जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है। अगर महाराज जी ने कहा है तो एक दिन वो आएगा, गुरुजी बंदा क्षेत्र में चतुर्मास करने के लिए जरूर आएंगे। तुम्हारी ताली बजाने से व्यवस्था नहीं बनेगी, कमरे होंगे तभी अपन व्यवस्थित हो पाएंगे। इसके लिए बन पड़े तो 1,11,000 रुपए की राशि, यहाँ बैठे हुए सुधी श्रोताओं में से किसी का भाव हो रहा हो तो हमारे पास तक खबर पहुंचा दें। ऑनलाइन देखने वाले जितने दर्शक गण हैं, उनके मन में एक भावना हो रही हो कि वर्षा योग की प्रथम पावन बेला में एक कमरा हम अपने परिवार की ओर से बनाना चाहें, तो नंबर चल रहे हैं, आप अविलंब हमारे कार्यकर्ताओं तक, कमेटी के लोगों तक खबर पहुंचाएं, ताकि हम उनके नामों की यहाँ से उद्घोषणा कर सकें और मुनि श्री का यहीं से शुभाशीष आपके लिए और आपके घर के परिवार के लिए भेज सकें। लीजिए संचालन का कार्य हमारे अगला भैया जी। आइएगा, मूल नायक अजितनाथ भगवान की पावन सन्निधि पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग की चरण सन्निधि में हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और इस वर्ष का महिमाशाली वर्षा योग स्थापना का यह मांगलिक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इसके हम अगले चरणों की ओर चलें, हम आपके लिए बतला दें आज के कार्यक्रम को हम थोड़ा सा लिंक से हटकर के लेकर के जा रहे हैं। अभी तक के जो कार्यक्रम होते थे, श्रीफल भेंट सम्मान आदि की श्रृंखला को पहले लिया जाता था, शेष कार्यक्रमों को बाद में लिया जाता था, लेकिन पूज्य महाराज श्री के मंगल आशीष वचनों के बाद हम सीधे सीधे आपके मन को टटोलने के लिए चल रहे हैं, ताकि जो मूल कार्यक्रम है उस मूल कार्यक्रम से आप सभी लोग जुड़ सकें। हम सबसे पहले पूज्य मंच पर ब्राजान पूज्यवर पंच ऋषिराजों के पावन श्री चरणों के पाद प्रक्षालन के लिए बिना किसी बोली के मात्र 5 नाम हम यहाँ पर चाहते हैं, ताकि आगे की व्यवस्थाएं हम बना सकें। जो भी पुण्यशाली सौभाग्यशाली परिवार चाहते हो कि हम पूज्यवर के आज की इस पावन घड़ी में उनके श्री चरणों का पाद प्रक्षालन का सौभाग्य पा सकें, मात्र 11,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है और उसके लिए 5 नाम 11,000 रुपए की राशि में जो पंच ऋषिराज के पाद प्रक्षालन का पावन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हाँ, कार्यकर्ता शीघ्रता से संपर्क कर लें, जिनके भी मन है शीघ्रता से संपर्क करके और वे नाम यहाँ तक भिजवाएं, ताकि हम उन परिवारों के लिए पात्र प्रसारण का पावन सौभाग्य यहाँ से सम्मान सहित प्रदान कर सकें। साथ ही साथ श्री
हाँ पूज मुनिवर के पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट के लिए भी 11,000 रुपए की राशि के 5 नाम हमारे लिए चाहिए हैं, ताकि आप पूज मुनिवर के पावन कर कमलों में शास्त्र प्रदान का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकें। और जब तक ये नाम यहाँ तक पहुंचेंगे, तब तक चूंकि समय भी निर्धारित है, तब तक हम इस क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष मुरली मनोहर जी जैन साहब टीकमगढ़ एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करते हुए क्षेत्र की संपूर्ण योजनाओं से और संपूर्ण योजनाओं का परिचय आपसे कराने के लिए हम उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। मुरली भैया के लिए भी पधारे और इस क्षेत्र का परिचय दें, इसके बाद हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। बोले चेतन चमत्कारी देवाधिदेव श्री खजाराट जितनाथ भगवान की, बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, संत श्रोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, मंच पर विराजमान पंच ऋषिराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, हमारी इस टीकमगढ़ जिला के और मोहनगढ़ तहसील के आदरणीय श्री गणेशी लाल जी नायक, श्रीमान अनिल जी पांडे साहब सिमरा से, ये दो हमारे युवा भाजपा के नेता एवं आशीष जी मंडल अध्यक्ष बंधा जी आए हो महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लें, और भी गुप्ता समाज से 4 महानुभाव हमारे सिमरा से आए हैं, वो महाराष्ट्र के प्रवचन सुनने एवं सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आए हैं 8 दिन से, उनका मैं सीधे सीधे उस ओर लेके चलता हूं जिसके लिए भैया जी ने मुझे यहां मंच पर खड़ा किया है। महानुभाव आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, जिनकी दूरगामी सोच अतिशय क्षेत्र बंधा जी के लिए बनी, और उनके 50वीं दीक्षा दिवस का जो पावन दिवस था 30 जून 1918, उस दिन बंधा जी की पावन धरा पर उनके पावन चरण पड़े। गुरु जी की 50 साल की जो साधना काल का अंतिम दिवस था, जिसको भारत का हर नगर मनाने के लिए आतुर था, और गुरु जी की इच्छा क्या थी, वो तो हम अजितनाथ भगवान के दरबार में मनाएंगे। उसी दिन आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने एक बंधाजी की कमेटी को, बंधाजी की 40 गांव की समाज को, बंधाजी गांव को एक सौगात दी कि यहां विश्व का प्रथम रजत मंदिर बनेगा। और महानुभाव उनकी घोषणा करते ही, उनका आशीष मिलते ही लगभग 9 प्रतिमाएं उसी समय बुक हो गई, जो चांदी की 25-25 इंची की 2 क्विंटल 75 किलो चांदी की एक प्रतिमा बनेगी, ऐसे 9 श्रेष्ठी दातार उसी समय हो गए। इसके बाद लगभग 6-7 बेदियों के दातार हो गए, 2 बड़ी बेदियों के दातार हो गए, शिखर के पुण्यार्जक हो गए। अब शेष क्या रह गया? शेष जो रह गया वो ही विशेष है। अब गुरुजी ने कहा, गुरुजी से निवेदन किया कि हे भगवंत, यहां 40 गांव की समाज है, छोटे छोटे लोग हैं, छोटी छोटी आजीविका के साधन हैं, हम लोग उस रजत मंदिर से कैसे जुड़ेंगे? तो गुरुदेव ने एक सरल उपाय बता दिया कि यहां 1008 प्रतिमाओं को विराजमान करने का सौभाग्य आप लोगों के हाथों में है, यदि सहस्त्रकूट जिनालय आप लोग बंधाजी में बनाना चाहें तो उससे 40 गांव की पूरी समाज एवं विश्व का हर प्राणी जुड़ सकता है। महानुभाव उसके लिए गुरुदेव ने सामान्य सी एक राशि रख दी, 1,51,000 रुपए की पद्मासन प्रतिमा के लिए और 2,11,000 रुपए की खड़गासन प्रतिमा के लिए। और इसमें फिर कमेटी ने एक सरल सा उपाय बता दिया कि ये राशि
किस्तों में देना होगी, 3 किस्तों में, 6 किस्तों में, 12 किस्तों में, यानी सहारा इंडिया की किस्त जैसी, जीवन बीमा की एक किस्त जैसी 5,000 रुपया महीना भी भरते जाओ तो सहस्त्रकूट की प्रतिमा आपके परिवार की झोली में वह पुण्य चला जाएगा। इसके बाद लगभग फिर परम पूज्य मुनिवर विमल सागर जी आदि पंच ऋषि राजों का वंधाजी में आगमन हुआ। वह तारीख मंगल वेला थी, 11 तारीख 11 जुलाई। मुनिवर ने देखा कि वास्तव में यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, उन्होंने उस योजना के साथ एक योजना और जोड़ दी। 2,11,000 रुपए की जो प्रतिमा लेगा उसको एक चातुर्मास कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बताइएगा वो 3 खंड का कलश प्रदीप भाई। और जो 1,51,000 रुपए की प्रतिमा लेगा उसके लिए एक चातुर्मास का कलश स्थापन करने का, वो नहीं उससे छोटा वाला सौभाग्य मिलेगा। महानुभाव इस योजना से जुड़िएगा और सहस्त्रकूट जिनालय में अपने परिवार की तरफ से एक प्रतिमा रखवाने का संकल्प जरूर लें, वो विचार बना लें ताकि वह सहस्त्रकूट जिनालय की योजना पूरी होते ही गुरुदेव के चरण बंधाजी की ओर बढ़ेंगे। इसी योजना के तहत जिसका रजत मंदिर में मन हो वो 1,08,000 रुपए की राशि देकर एक रजत मंदिर का स्तंभ स्थापित कर सकता है। परसों बात आई कि पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज का निर्यापक श्रवण चांदखेड़ी में चातुर्मास हो रहा। चातुर्मास संपन्न होते ही उनको कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरबेश के लिए विहार करना है। कहा महाराज जी के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता कौन पड़ेगा, तो मुनि श्री भाव सागर जी महाराज ने बताया कि वो बंधाजी वाला रास्ता होगा। मुनिवर सुधा सागर जी महाराज, मुनिवर वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी, प्रणम सागर जी, चंद सागर जी आगरा, ताजों की नगरी आगरा में चातुर्मास कर रहे हैं, उनका शॉर्ट रास्ता कौन पड़ेगा, वाया बंधाजी। प्रसाद सागर जी महाराज चातुर्मास कर रहे हैं कुंभराज में, उनका शॉर्ट रास्ता कौन पड़ेगा, बंधाजी। महानुभाव जब इतने संत एक साथ इस धरा पर आएंगे तो निश्चित है कि आवास की जरूरत अभी पड़ रही है तो जब तो पड़ेगी ही। तो एक योजना से बंधिएगा, 1,11,000 रुपए की राशि में एक अयोध्या बिल्डिंग जिसका नाम क्या रखा, मुनिराज के मुखारबिंद से निकला, जहां सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र ने जन्म लिया था, ऐसी नगरी का नाम क्या है, अयोध्या। उस नगरी का नाम रखा जाएगा अयोध्या, उस बिल्डिंग का नाम रखा जाएगा अयोध्या। उस अयोध्या नाम की बिल्डिंग से जुड़ने के लिए एक एक कमरा अपना बनवाने के लिए जब भी गुरुजी आएंगे, यदि कोई रिश्तेदार पूछेगा कि भैया बंधाजी में कमरा मिलेगा, तो निश्चित बता देना कि 13 नंबर कमरा हमारे पापा ने बनवाया था या हमने बनवाया था, आप 13 नंबर कमरे की चाबी कार्यालय से प्राप्त कर लेना। 1,11,000 रुपए की राशि से उस कमरे के साथ भी जुड़ना है। अब बात रही चातुर्मास की, तो जिसकी जिसका जितना पुण्य है और जितनी जितनी शक्ति है, शक्ति को ना छुपाना, यदि ना हो सके तो 40 गांव की जो समाज है, जो 10 घर की, 12 घर की, 15 घर की आसपास गांव हैं, कम से कम एक एक 21,000 रुपए का कलश लेकर इस चातुर्मास में कलशा स्थापित कर देना। ये रिद्धि सिद्धि कलश, ये पांचों मुनिराज जब बंधाजी की पावन भूमि पर साधना करेंगे और वह रिद्धि सिद्धि कलश मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित हो जाएगा और जिसके घर में जाएगा वह बारे के न्यारे कर देगा, भंडार भर देगा। मैं अपने कमेटी वालों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जितने कमेटी वाले हैं यदि ज्यादा बढ़ाना हो सके तो 21,000 रुपए की राशि सबसे पहले अपनी अपनी लिखवा दो ताकि आगे के कलश बुक होना प्रारंभ हो जाएं। कलश तो महानुभाव बुक बहुत हो चुके हैं, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और महानुभाव
जो जो लोग अतिशय क्षेत्र बंधा जी की पावन धरा पर पधारे हैं, कई गांवों से यदि गांवों की लिस्ट बनाई जाए तो शाम तक वही नहीं भूल पाएगी। इसलिए जो जो बंधा जी की पावन धरा पर पधारा है उसका स्वागत वंदन अभिनंदन हाथ जोड़ के हमारी बंधा जी की प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी, टेस्ट कमेटी एवं निर्माण समिति करती है। और पांचों छठों जो भैया यहाँ मंच पर विराजमान हैं, उनके चरणों में वंदन करते हुए कि आज बंधा जी की मंच शोभायमान हो रही है और आज गदगद हो गए हैं और मुनिराज की भावना है, बड़े महाराज की भावना है कि अजितनाथ भगवान के समय में 170 समोसरण पहली बार उस युग में लगे थे और मुनिराज बड़े महाराज की भावना है कि यदि विश्व में कहीं भारत में कहीं 170 समोसरण यदि लगेंगे तो अतिशय क्षेत्र बंधा जी के अजितनाथ भगवान की पावन धरा पर लगेंगे, उससे भी जुड़िएगा। तालियों के उद्घोष के साथ विमल सागर जी महाराज के चातुर्मास में यह अजूबा जो कहीं नहीं हुआ वो बंधा जी में करके दिखाइएगा। इसी भावना के साथ मैं महाराज जी के चरणों में बारम्बार नमोस्तु निवेदित करता हूँ, वो स्वागत वंदन करता हूँ जो जो बंधा जी की पावन धरा पर आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं अब जिनके मार्गदर्शन में जो ऊर्जा को लेकर हमारे भैया खड़े हुए हैं लधौरा के, आदरणीय अशोक भैया जी जो क्षेत्र के अधिष्ठाता हैं, एक बार तालियों की जय घोष के साथ इनका सम्मान कीजिएगा। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अनुरोध है कार्यकर्ताओं से, जो भी बाहर से भक्तगण पधार रहे हैं उनको श्रीफल बाद में 3 बजे के बाद इस क्रम को हम प्रारंभ करेंगे, इसलिए जो भी आए वो अपना स्थान वहीं पर ग्रहण करते हुए बैठते जाएं। आइए बंधुओं, हम सभी लोग जानते हैं कि बंधा जी की इस पावन ध्रुव धरा पर हम सभी विराजमान हैं। यहाँ अनेकों अनेक चातुर्मास हुए हैं लेकिन यह चातुर्मास अपने आप में विशेष है, क्योंकि जहां जहां भी चातुर्मास हो रहे हैं हम सभी जानते हैं कि इसके बाद सभी साधक पूज्य महाराज श्री माता जी सभी के लिए बड़े बाबा की चरण छाव में पहुंचना है, जहां पर आचार्य भगवान चातुर्मास के बाद में कुंडलपुर की ओर विहार करेंगे तो समस्त संघ भी उसी ओर विहार करेंगे। और यह सौभाग्य इस बार का आपके हाथों में है। इसलिए हम सीधे सीधे पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज जी के वर्षायोग कलश स्थापन की पावन प्रक्रिया की ओर चल रहे हैं। श्रीफल भेंट, पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, इस क्रम को हमने थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है, हम इस क्रम को पीछे लेकर के जा रहे हैं। और यहां पर आज वर्षायोग कलश स्थापना के मुख्य 9 कलश स्थापित किए जा रहे हैं, अखंड अक्षय अंक को लेकर के 9 कलशों के सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्रों का हम यहां पर चयन करेंगे और शेष जो कलश उनकी व्यवस्थाएं आपके बीच बनाई गई है उन व्यवस्थाओं के अनुसार उन कलशों को आप स्थापित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। आइएगा तो सबसे पहले 9 देवताओं में से प्रथम कलश अष्टांगिक महापर्व पर जिन दिव्य परमात्मा की आपने आराधना की है, ऐसे प्रथम परमात्मा अरिहंत वर्षायोग कलश के सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार का चयन हम करने के लिए जा रहे हैं। राजेश संगीत कर रहे हैं, हाँ हेलो, चलिए छोटी सी 2 लाइन लो। पल का भरोसा है ना कल का भरोसा, पल का भरोसा है ना कल का भरोसा, कर ले दान जरा सा हो, कर ले दान जरा सा हो, कर ले दान जरा सा। हाँ देखिएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, आप लोग थोड़ा सा हाथों को खोलिएगा, दिल के दरवाजे तब खुलेंगे। तो हाथों को खोलिएगा, दोनों हाथों को शिखर का आकार दीजिएगा और साथ में हम अब भक्ति के रंग में रमते हुए आज के इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। 1, 2, 3, 4। पल का भरोसा है ना कल का भरोसा, पल का भरोसा है ना कल का भरोसा, कर ले दान जरा सा हो, कर ले दान जरा सा हो, कर ले दान जरा सा हो, कर ले दान जरा सा। आइएगा प्रथम महामांगलिक कलश, नव कलशों में, नव देवों में अरिहंत वर्षायोग कलश प्रारंभ कर रहा हूं। 5,55,555 रुपया। देखिएगा, तालियों के माध्यम से अनुमोदन चाहूंगा आप सभी की। भैया जी 5 कलश,
पांच कलश पचपन श्रीफल। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओ हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। आइएगा प्रथम कलश पांच लाख, पांच कलश पचपन श्रीफल, छह कलश छियासठ श्रीफल। क्या बात है, तालियों के माध्यम से अनुमोदन करते कि मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। पांच लाख पचपन हजार वाले अपनी ओर बढ़ते चले और इस लक्ष्य को प्राप्त करते चले। प्रथम और जो भी इस कार्यक्रम को पारस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वे भी इस श्रृंखला में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम सात कलश सतहत्तर श्रीफल, प्रथम कलश स्थापित करने का पावन सौभाग्य। सात कलश सतहत्तर श्रीफल। ओ भर दो झोली मेरी बड़े पापा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी बड़े पापा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तेरे दर्शन की मन में ले आशा, द्वार तेरे में कब से खड़ा हूँ। तेरे दर्शन की मन में ले आशा, द्वार तेरे में कब से खड़ा हूँ। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्श तेरे न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी बड़े बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आइएगा पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज जी के वर्ष 2021 के मांगलिक वर्षायोग कलश स्थापना का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य। और पहला कलश अरिहंत परमात्मा का दिव्य कलश स्थापित करने का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में। सात कलश सतहत्तर श्रीफल। दो कितना हुआ, 2021 का 21वां चातुर्मास। आठ कलश अठासी श्रीफल। अरे तालियों के माध्यम से अनुमोदना करते चलो। ओ जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। पूज मुनिवर के वर्षायोग कलश स्थापना का पहला कलश स्थापित करने का पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में है। आठ कलश अट्ठासी श्रीफल। आठ कलश अट्ठाईस श्रीफल अरिहंत परमात्मा का। महानुभाव यह ऐसे क्षेत्र जहां के दिव्य परमात्मा 1000 वर्ष प्राचीन अक्षयकारी मनोज अजितनाथ भगवान विराजमान हैं। ऐसे पावन अक्षय क्षेत्र पर और पूज्य साधक श्री विमल सागर जी महाराज के चातुर्मास के प्रथम कलश स्थापित करने का पावन सौभाग्य आपके हाथों में। आठ कलश अठासी श्रीफल। ग्यारह कलश ग्यारह श्रीफल। संसार सिंधु के तारक अध्यात्म सरोवर के राजन परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। गुरुवर विद्यासागर पंचम युग के रत्ना गए, जन धन्य हुआ तुम्हें पा गए। सब जय 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 जयकार गुरु की लगावे से है, श्रद्धा से श्री चरणों में शीश झुकावे से। सब जय 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 जयकार गुरु की लगावे से है, श्रद्धा से श्री चरणों में शीश झुकावे से। वर्षायोग कलश स्थापना का पहला कलश स्थापित करने का पुण्य सौभाग्य। पंद्रह कलश पंद्रह श्रीफल। पंद्रह कलश पंद्रह श्रीफल। 1000 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी अजितनाथ भगवान के पावन चरणारविंद में स्थापित होने वाले इस अतिशयकारी वर्षायोग कलश स्थापना का पहला कलश स्थापित करने का पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में। भैया जी एक टिकट में दो दो मजा होंगे बिल्कुल। एक तो मंदिर निर्माण में आपकी राशि जाएगी और पूज्य मुनि श्री के मंगल कलश स्थापित करने का पावन पुनीत आपके सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है।
15 कलश 17 श्रीपद। एक बार तालियों के माध्यम से अनुमोदन कीजिएगा। अनुमोदना अनुमोदित, हाथ ऊपर और मीठी मीठी तालियां। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। 17 कलश 17 श्रीफल, प्रथम महामांगलिक कलश, अरहंत कलश स्थापित करने का पावन सौभाग्य आपके हाथों में। देखिएगा एक बार अपन सब कल्पना करके देखें कि पूज्य आचार्य भगवंत ने कैसी परिकल्पना की होगी कि इस बंदा क्षेत्र पर रजत मंदिर का निर्माण होगा। और एक बार पुनः आप लोग इस कल्पना को करके देखिएगा, जब इस मंदिर का निर्माण हो जाएगा और पूज्य आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज यहाँ पर पधारेंगे और उनके मंगलमय सन्निधि में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होगा, उस समय की यहाँ की परिकल्पना क्या होगी। मेरे को वो एक बात ध्यान आती है कि बहुत साल पहले, कुछ समय वर्षों की पहले की बात है, जब आचार्य भगवंत कलकत्ता नगर में प्रवेश कर रहे थे तब वहां के अखबारों में एक बात छपी थी कि एक ऐसे संत का नगर में प्रवेश हुआ कि जिनको पूरी शहर देख रहा था लेकिन जिन्होंने किसी शहर के व्यक्ति को नहीं देखा। वही जबलपुर में जब आचार्य भगवंत का मंगल प्रवेश हुआ तब मुझे बात ख्याल आती है कि ऐसे ही एक और इतिहास रचा गया है कि पूरा जबलपुर नगर आचार्य भगवंत की अगवानी करने को तैयार खड़ा था लेकिन आचार्य भगवंत तो अपनी इरिया पथ के माध्यम से विहार करते हुए चले जा रहे थे। मित्रों, ऐसे आचार्य भगवंत के परम प्रभावक शिष्य साथ के यहाँ बैठे हैं, ऐसे परम प्रभावक शिष्य की मंगल कला चातुर्मास स्थापित करने का सौभाग्य है। आइएगा महानुभाव पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज के पावन वर्षायोग के प्रथम कलश को स्थापित करने का पावन सौभाग्य आपके हाथों में। और यहाँ आप कलश को स्थापित करेंगे, वहाँ आदरणीय सुनील भैया के माध्यम से आपको तुरंत का तुरंत आचार्य भगवंत का मंगल आशीष प्राप्त होगा। वो भी लगातार संपर्क में है कि कौन वह सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र है जो पंडा जी की अक्षय माटी पर प्रथम कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। 20 कलश 20 श्रीपद। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सच बताना, किस किस को भरोसा है कि सोना भी काम आएगा और चांदी भी काम आएगी? सबको? अभी देखो आप यहाँ तो सब सोना भी लटक रहा है चांदी भी। भैया जी, खाया पिया अंग लगे, दान दे सो संग लगे, और रखा रखा जंग लगे, और चले गए ऊपर तो भुजंग लगे, कहीं ऐसा ना हो कि भुजंग बैठ जाए। आइएगा, प्रथम कलश को स्थापित करने का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य। 20 कलश 20 श्रीपल। अरे अनुमोदना करते चलो भाई साहब तालियों। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। नहीं सभी दोनों पूरा सदन। अरे चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। अरे चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। आइएगा 21 कलश 21 श्रीपद। क्या बात है, जय बोले परम पूज्य साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। देखिएगा यह है पूज्यवर का 23वां वर्षायोग स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम। आप सभी बंदा जी की अतिशय पावन माटी से देख रहे हैं, बंदा जी क्षेत्र से देख रहे हैं, और उस वर्षायोग कलश के प्रथम कलश को स्थापित करने का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में। आइए 21 कलश 21 श्रीपल। ट्रस्ट कमेटी कह रही है, अरे छोटी छोटी किस्तों में तुम देना छोड़ दो, अरे बड़ी जरूरत है बाबा 90 करोड़ दो, बड़ी जरूरत है बाबा 90 करोड़ दो। 23 कलश 23 श्रीपद। अरे जिस जिसको तूने सेठ बनाया वो क्या रिश्तेदार है, और तालियां चाहूंगा आप सभी की।
उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है, किस जिसको तूने सेठ बनाया वो क्या रिश्तेदार है, उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है। आइएगा प्रथम कलश, इसका ज्ञान व्यवस्था खोल दे बाबू। प्रथम कलश को स्थापित करने के लिए 23 कलश 23 श्रीफल, 23 कलश 23 श्रीफल एक, 23 कलश 23 श्रीफल दो, 23 कलश 23 श्रीफल ढाई, 23 कलश 23 श्रीफल पौने तीन, 99। 21 वाले 19 वाले सोच लेना, विचार कर लेना, हर सौभाग्य बार बार जीवन में मिलेगा, लेकिन ऐसी अत्यय माटी जहाँ के जीवंत अजितनाथ भगवान जो बात करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस सदी के श्रेष्ठ साधक आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के ये शब्द हैं कि अजितनाथ भगवान का जिन बिंब बात करता है, ऐसे जीवंत स्थान पर चातुर्मास का प्रथम कलश स्थापित करने का पावन सौभाग्य आपके हाथों में, 23 कलश 23 श्रीफल हो मेरा गुरु के, हो मेरा गुरु के रंग में उद्धार के लिए, मन मेरा हुआ दीवाना भोपाल के लिए, मन मेरा हुआ दीवाना भोपाल के लिए, मेरा गुरु के हो मेरा गुरु के रंग में उद्धार के लिए। 23 कलश 23 श्रीफल एक, 23 कलश 23 श्रीफल दो, ढाई पौने तीन, 99 और 23 कलश 23 श्रीफल एक दो, एक दो, एक दो, तीन बार आगे और पीछे तक सभी सौभाग्य के माध्यम से अनुमोदन करिएगा। यह सौभाग्य जो पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन फोन के माध्यम से, अभी उनका नाम हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, गुरु जी के आचार्य भगवान के 50 वर्षों से अनन्य भक्त हैं जो, और उस परिवार ने, हाँ गौशाला की गायों के भी अनंत सेवक हैं, उस परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया, एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें, आइएगा। और इसी के साथ जय
कपूर जलाओ तो सही। निस्तारक मंत्र की आवृत्ति देखो, इसमें बड़ी भारी शक्ति है। मैं आपको बता दूं, मेरी माँ हमेशा हवन के लिए लपक करके जाती थी पूरी 50 साल, और इसमें कहा जाता समाधि मरणम भवतु। आचार्य श्री की कृपा से ऐसा योग मना, एक स्वस्थ दिन सत्य जाताए अनजाताए सत्कर्मणे रामयति अनादि श्रोत्रियाए स्नातकाए श्रावकाए देवब्रह्मणाए शुभ्रह्मणाए अनुपमाए सत्य जावताए
भारत जाता है, दिव्य जाता है, विज्ञान आता है, नेमिनाथ आए, स्वधर्म आए, कल्पाधिपति अंशमाए, परमपरेन्द्र आए, अमेन्द्र आए, परमानंद आए, अनुपमाए, समझने की मदद से कल्पति देव और वीरेंद्र ये ऊपर आ जाओ। चलिए सत्य जाता है, सहज जाता है, आत्मानंद आए, विज्ञान जाता है, नेमिनाथ आए, स्वधर्म जाता है, परमानंद आए, अनुपम आए, मनुष्य सर्वे गुरु भक्त चंद्र उपरायण भवन्तु श्री अशोक कुमार जी ठेकेदार सर्वपरिवार से समस्त इंद्रगण समूह सर्वपरिवार से चतुर्थ संघ सर्वश दान तपोवीर निष्ठा नित्यमस्तु सर्वजन भक्तानं धनदानेश्वर प्रसिद्ध्यश प्रमोत्सव प्रवर्तम कृष्ण संप्रदेस्तु काम मंगलो सभा सन्तु पापानि शामिन्तु गुरानि शामिन्तु पुण्यं वर्धम धर्मो वर्धम त्रिवर्धम गंगोत्रजायु वर्धम स्वस्ति भद्रम चात्र जीम जीम हम सास्वाद्रिम जिनेन्द्र चरणार विंदेश्वानंद भक्ति सदास्तु अमीश बोलो प्यारे भजन की आपका रूप ध्याऊं पर मेरी ही में ममी तेरे पुण्य चरणों में अक्षय पदमात्रा से तुझसे जो कुछ कहा गया मुझसे हे जगबंधु जी निष्प्रांग तब चरण शरण बलहारी शांति भक्ति समाधि भक्ति नौ बार नमोकार पढ़िएगा। जो मंडल पर बैठकर पूजा कर रहे थे उनमें आज परिवार ऊपर जाकर के विसर्जन करो और तीन परिक्रमा करो और मंडल का भी विसर्जन करिएगा। पहुंचिएगा ऊपर जगति शांति विवर्ज महसाम लयमस्तु दिनस्तु विनते सुखदेव भारत देव भूतो भूया पुनर्दर्शनम मंगलार्थम समाहूता विसर्जना कृवीरता
विसर्जनार्थ मंत्रिणे विदीर्य पुष्पांजलि ओम हिंद्री शुद्धक महामंडल विधान महोत्सव आभ्रमान देवगण स्वस्थान गच्छन् को अपराध क्षमापण भवतु स्वाहा। और सभी लोग अपने अपने पुस्तक और यंत्र जी पीछे रख के आइएगा। हम अपने अपने मंडल का यंत्र और जो भगवान जी रखे हैं इस मंडल में वो भी उठ करके स्थानांतरित होना है। हाँ, प्रमादा ज्ञान दर्शादी वेतन बेहतर जय जिनेन्द्रास्तु प्रसादास्ते सफलम सकलम चदत अस्मिन् यज्ञे समाहूता सृष्ट्यार्थ पूर्वपूजने इष्टमस्मात् मा पाद्ये तुष्टा यान्तु यथा यथा पुष्पशिपन कर दिए जाएगी। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
गति मेरी होगी, इस इलाके में पहले नहीं आया। सबके स्वर इतने अच्छे हैं, संगीतकार को बुलाते तुम सारे तो जयपुर जइयो, अच्छी सी बेदी मंगइयो। आचार्य परमेश्वर आचार्य वशी विद्या सगज मंदिर गंगे बामजी तीरथ करने चली सती निज पति का पुष्ट मिटाने को अशोक कपूर जलाओ तो सही। हमारे यशस्वी विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर नहीं रहे, उनके प्रिय अनुज श्री धौरव सिंह जी राठौर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए इसी क्रम में श्री आके आकाश जैन, नितिन जैन हतेरी, आकाश जी जैन पृथ्वीपुर और राकेश सिंह पुरुषोत्तम जी जैन साहब पूर्व जनपद अध्यक्ष पृथ्वीपुर एवं निर्माण समिति अतिशय क्षेत्र बंधा जी के सक्रिय कार्यकर्ता आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी जैन साहब को, विमलेश कुमार जी जैन साहब पृथ्वीपुर जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय मामा विमलेश कुमार जी जैन साहब और सिंह जी दांगी पूर्व सरपंच अतिशय क्षेत्र बंधा जी गुड्डू भैया, आदरणीय श्री पूर्व सरपंच कुशल सिंह जी दांगी, पूर्व सरपंच श्री भागीरथ सिंह जी दांगी और खुबान जी चढ़ाए और पूर्व सरपंच अभिनंदन जैन के सुपुत्र श्री अजित कुमार जी जैन साहब, जो अजित कुमार जी जैन साहब इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं वर्तमान ग्राम पंचायत मान सिंह बड़े भैया को नाम लाओ जात पहले, श्रीमती संध्या चौधरी और लुइस भैया की बहू रानी, यदि मेरी आवाज को सुन नहीं हो तो कृपया वो आए और श्रीफल भेंट करके महाराज श्री से आशीर्वाद लें। आदरणीय श्री भाई श्री मान सिंह जी दांगी मंडल अध्यक्ष और जीतू भाई जैन मंडल उपाध्यक्ष मोहनगढ़ मंडल के, आइए मड़ौरा समाज से
रहिली रहिली दिगंबर जैन समाज से जो भी समाज जन आए हैं महाराज श्री के चरणों में श्री फल चढ़ाकर आशीर्वाद ले, और अक्षय भैया के जो भी परिजन पापा जी चाचा जी मड़ावरा समाज से आए हैं वो आकर के महाराज श्री के चरणों में श्री फल चढ़ाकर आशीर्वाद ले। श्रीमान डॉक्टर रविंद्र कुमार जी जैन साहब दिगौड़ा समाज के लिधौरा समाज के अध्यक्ष महोदय एवं अखिलेश कुमार जी जैन साहब पूरी लिधौरा दिगंबर जैन समाज आए महाराज श्री के चरणों में।